बेसिकली दो तरह की बैलेंसिंग होंगी, एक सेंट्रल आइटम की कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, एक तो है सेकेंडरी बैलेंसिंग विच इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर, ये जो लिखा है ये काम की चीज है, बाकी कोई खास इतनी काम की चीज नहीं है, तो मैं आराम से थ्योरी बाद में पढ़नी हो देख लेना। इन मॉडर्न टर्म्स में भी सेकेंडरी वैलेंसी इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर, और नीचे आकर के आएगा प्राइमरी वैलेंसी की तरह, प्राइमरी वैलेंसी इज ऑक्सीडेशन स्टेट। तो वो सारी चीजें जो ऑक्सीडेशन स्टेट क्रिएट करने में कॉन्ट्रीब्यूट करती है वो जाएंगी प्राइमरी वैलेंसी, बात हो जाए, और जितनी भी चीजें कोऑर्डिनेशन नंबर में कॉन्ट्रीब्यूट करती है वो जाएंगी सेकेंडरी वैलेंसी। तो लिगेंड्स तो हो गया सेकेंडरी वैलेंसी, लिगेंड्स तो होंगे कोऑर्डिनेशन नंबर में, तो लिगेंड हो गया सेकेंडरी वैलेंसी, और जितनी भी चीजें ऑक्सीडेशन स्टेट कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे वो हो गए प्राइमरी वैलेंसी। अब इसको देख लो जरा, अब जो बता रहे हैं बोथ वैलेंसी आई सुन भाई, चला गया फॉर एग्जाम्पल COCl3.4NH3 सिंस 4 अमोनिया मॉलिक्यूल एंड 2 Cl एंड सेटिस्फाई सेकेंडरी। ये देखो ना CO NH3 4 Cl2 Cl, अब इसमें तो मुझे ये बताओ सेकेंडरी बैलेंसेस कितनी है और प्राइमरी बैलेंसेस कितनी है इसकी कोबाल्ट की, प्राइमरी बैलेंसी जो 3 हुई ना ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है प्लस 3 है ना यहाँ पर, प्राइमरी वैलेंसी को 3 दिखाई दे रही है और सेकेंडरी वैलेंसी 6 है ना, कितने लिगेंड है 6 कोऑर्डिनेशन नंबर, बात समझ में आई, वापस यहां पे देख लेते हैं ना सेकेंडरी वैलेंसी का, सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ दिस इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर, प्राइमरी वैलेंसी बराबर ऑक्सीडेशन स्टेट। अब इसके अंदर प्राइमरी वैलेंसी जो होती है उसके बाद जो अटैचमेंट होता है उसको ब्रोकन लाइन से शो करते हैं और लिगेंड को सॉलिड लाइन से शो करते हैं, और अगर कोई ऐसा स्पीशी है जो दोनों में कंट्रीब्यूट कर रहा हो, जैसे आपको बताता हूँ फॉर एग्जांपल ये वाला जो सीएल है जो इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर की साइड है, ये अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सेकेंडरी वैलेंसी और प्राइमरी वैलेंसी दोनों में कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर भी कॉन्ट्रीब्यूशन है और लिगेंड तो है, तो इसको जब मैं शो करूंगा बेसिकली कोबाल्ट के साथ में तो मैं कुछ इस तरीके से शो करूंगा कि भाई ये कोबाल्ट है और ये सीएल है और एक सॉलिड लाइन और ब्रोकन लाइन, बात समझ में आ गई। ऑन द अदर साइड जो बाहर वाला सीएल है ये तो मैंने इनर सीएल दे दिया ना, बाहर वाले सीएल को अगर मैं शो करूंगा तो ये कोऑर्डिनेशन स्क्वायर है ब्रोकन लाइन और ये सीएल राइट, और जो अमोनिया होगा उसको मैं केवल एक सॉलिड लाइन से शो करूंगा, बात समझ में आई आप लोगों को किस तरीके से शो करते हैं, एवरीबॉडी इज क्लियर विद दिस, फाइन। ये सब बड़ी नॉर्मल चीज है, तुम्हें पता है कि 3 सीएल नेगेटिव बाहर होंगे 3 एबीसीएल का वाइट पीपीटी बनेगा, दैट इज ऑल यू नो, सारे एलिमेंट में नहीं आएगा क्या नहीं होगा नहीं। मतलब होगा ना, क्यों नहीं होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट भी होती है और कोऑर्डिनेशन नंबर भी होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, हाँ। अब ये क्रायोस्कोपिक मेजरमेंट की बात करें, अब देखो वो बेसिकली इस तरह का क्वेश्चन दे देता है कि भाई ये कंपाउंड है और इसके अंदर कुछ तो वो कंडक्टेंस दे देगा अपने को, या फिर उनके आयनिक मोबिलिटी के बारे में बात कर लेगा, या जो क्रायोस्कोपिक मेजरमेंट है वो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो कि वेंट ऑफ फैक्टर पे इफेक्ट होता है, वेंट ऑफ फैक्टर इज बेसिकली नंबर ऑफ आयंस, क्वालिटेटिव पढ़ चुके हो ना आप लोग राइट, तो उन सारी चीजों का वो मेजरमेंट दे देगा और हमसे पूछ लिया है कितने सीएल बाहर है और कितने सीएल अंदर है, तो उसके लिए बता रहा है बेसिकली कंडक्टिविटी मेजरमेंट, देखो जैसे क्रायोस्कोपिक मेजरमेंट डिपेंड करेंगे किस चीज के ऊपर, नंबर ऑफ आयंस पर, अग्रीड ना, क्रायोस्कोपिक मतलब वो फ्रीजिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट वाली जो स्टोरी थी अपनी, अग्री विद दिस राइट, कंडक्टिविटी मेजरमेंट किस चीज पर डिपेंड करेंगे बोला करो भाई कुछ तो बोलो, हाँ जी
क्रायोस्कोपिक नंबर ऑफ आयन पे डिपेंड कर रहा है, ये मेरे को समझ में आ गया, क्योंकि नंबर ऑफ आयन नेटो फैक्टर होता है। ये किस पे डिपेंड करेगा? कंडक्टेंस। बोलिए। ऑब्वियसली टोटल पॉजिटिव या टोटल नेगेटिव चार्ज कितना जनरेट हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। प्रेसिपिटेशन तो तुम्हें पता ही है, जितना सीएल वायर उतना आएगा प्रेसिपिटेशन। टू एक्सप्लेन प्लेटिनम फोर आई मीन, ये कुछ खास नहीं है, ये ईएन सिंगल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड लिमिटेशन। ये क्या सिंगल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एक मिनट रुको। अच्छा ये बेसिकली मतलब इसने यहाँ पे इसमें सब्जेक्ट में नहीं दिया है, ये तो सिंपल ही चीज कह रहा है कि भाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा अपना जो नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। इसके अंदर अब एक और चीज होती है, वो तुम कॉम्प्लेक्स को देख करके तो डिबग नहीं कर पाओगे, वो चीज मैं तुम्हें यहाँ पे बता देता हूँ। सब्जेक्ट का तो जो पूरा थ्योरी हो ईएन व्हील है, ईएन व्हील में अभी डिस्कस करता हूँ। अगर एम डेट एक और चीज नहीं दी हुई मुझे याद आ गई, बेसिकली क्या होता है ना, मेरे उसे एम है और ये एक लिगेंड है एंड दिस डोनर राइट। अब तुम ये कहते हो कि M के ऊपर M की पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे वो बढ़ेगी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, ये कहते हो कहते हो नहीं कहते हो भाई? यार यस नो थैंक यू तो बोला करो तुम लोग। हाँ यस, हाँ यस बोलते हो तो बड़ा एनर्जेटिक लगता है ना। ये क्लियर है कि बोर्ड पे लिखा, बट ये जो चीज है ना 100% ट्रू नहीं है, 95% केसेस में ट्रू है। अब ये वो 5% केसेस तुम देख करके तो नहीं बता पाओगे, उसकी एक वजह है। कहां पे ट्रू नहीं है वो बता देता हूँ, ये वहां पे ट्रू नहीं है कि बेसिकली एक और चीज भी होती है ना, जब एम से लिगेंड का बॉन्ड बन रहा है, ये जो बॉन्ड बन रहा होता है ना, इफेक्टिवली ये लिगेंड क्या कर रहा है, इफेक्टिवली ये लिगेंड इस मेटल एम के ऊपर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी क्रिएट कर रहा है। डोनर है ना राइट, तो मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी क्रिएट करना अच्छी बात तो नहीं होगी ना, एग्री विद दिस? अब मेटल का जितना हायर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उतने ज्यादा लिगेंड्स को बुलाएगा अपने पास में, बात समझ में आई ना? तो बेसिकली ये चीज है तो ट्रू, लेकिन एक परफेक्ट बैलेंस होना चाहिए उस चीज का। मतलब वो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि अपने हायर पॉजिटिव चार्ज की वजह से वो इतने ज्यादा लिगेंड्स को अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ कि वो लिगेंड दे दे करके उसके ऊपर इतने नेगेटिव चार्ज डेंसिटी क्रिएट कर रहे हैं कि वो पूरा का पूरा चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया और कुछ फायदा ही नहीं हुआ, बात समझ आप लोगों को? इसके बड़े ड्रास्टिक इंपैक्ट्स देखने के लिए मिलते हैं अगर तुम उसमें देखोगे ये सब चीजें। अभी तुम नॉर्मली रिवाइज कर लो, मेरा ये जो डिस्कशन हुआ था सारी चीजें बताया था ना, कंप्लीट हो जाए तो नवंबर वंबर आपस से देखेंगे ना ये चीजें, तब और डिस्कस करेंगे। जैसे AlH2O होल 6 3 पॉजिटिव होता है, राइट, ये इवेंचुअली फिर फाइनली कन्वर्ट हो जाता है। आपने देखा होगा AlOH होल 4 नेगेटिव सुना होगा आपने, सुना है ना राइट? तो ये बेसिकली ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि शुरू में तो एल्यूमिनियम के ऊपर +3 चार्ज था, तो उसने 6 वाटर मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, बहुत सारे ऑक्सीजन आकर के अटैक करना स्टार्ट कर दिया, बहुत सारे ऑक्सीजन ने यहाँ पे, फिर उन्होंने जब अटैक किया उसके ऊपर तो बहुत सारी नेगेटिव चार्ज डेंसिटी दे दी एल्यूमिनियम को, तो इवेंचुअली वो परेशान हो गया कि इतनी सारी नेगेटिव चार्ज डेंसिटी कैसे आ गई, राइट? और फिर फाइनल कंक्लूजन ये हुआ कि H+ जो थे, H+ तो वैसे भी इस साइड में है ना, तो H+ तो वैसे भी छोड़ करके जाए गई, क्योंकि ये वाला बॉन्ड जब स्ट्रॉन्ग हो रहा है दूसरा वाला बॉन्ड वीक होना ही होना है एट द एंड ऑफ द डे, राइट? तो वो तो वैसे भी जा रहा है, फिर उसके ऊपर में जो बचा अब फाइनली उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, राइट? तो इसलिए ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है कि वो ही ज्यादा स्टेबल है, तो इवेंचुअली मतलब इस चीज को कई बार आपसे इस तरीके से पूछा जा सकता है कि जो लिगेंड्स वगैरह आते हैं तब वो, हाँ मतलब एक तो है ना पॉजिटिव चार्ज के हिसाब से बताया था, एक और चीज जस्ट आपको यहाँ पे बताता हूँ, अभी नोट कर लेना तुम शांति से। एक और स्टेटमेंट अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर स्ट्रॉन्गर लिगेंड है, अगर एक स्ट्रॉन्गर लिगेंड है तो स्ट्रॉन्गर लिगेंड क्या होगा, स्ट्रॉन्गर लिगेंड वुड बी बेटर डोनर, ये होगा ना
ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है इससे कोई व्यक्ति डिसएग्री करता हो तो बताए सर्कल में जो राइट, तो आप मेरे को ये बताओ अब इसके आगे क्या लिखूं, इससे स्टेबिलिटी बढ़नी चाहिए कि घटनी चाहिए, क्या लिखूं? आप अगर तुम मेरे से कहते हो कि बढ़नी चाहिए तो अगर तुम इवेंचुअली ध्यान से देखोगे ना, आई हैव टू पुट अप अ कंस्ट्रेंट कि इज अगेन वैलिड फॉर 95% ऑफ द केसेस। अरे अगर बेटर डोनर है तो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी भी तो मेटल को दे रहा है, वो फैक्टर भी एक बैलेंस में रहना चाहिए ना। बात समझ में आई आप सभी लोगों को? क्लियर? अच्छा राइट, तो एक तो ये कहानी हो गई। फिर अब दूसरा ये है कि बेसिकली ई एन व्हील क्या होता है, सिजवेट का जो मॉडल है वो तो सिंपल ये कहता है कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करो किसी भी सैंपल आइटम का, अगर वो नोबल गैस के बराबर है तो स्टेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो मतलब ऐसा कुछ है नहीं, बट आपसे क्वेश्चन पूछा तो ये पूछेगा ई एन व्हील के हिसाब से, सिजवेट थ्योरी के हिसाब से कौन कौन से कॉम्प्लेक्स स्टेबल है। बात समझ भाई, ओवरव्यू तो है ही वो तो एक अलग बात हो गई। तो आप ई एन कैलकुलेट करोगे और देखो ये नोबल गैस के बराबर आ रहा है नहीं आ रहा है। ये अब ई एन कैसे कैलकुलेट करते हो तो बहुत आसान है, फॉर्मूला वाला वर्क करना हो तो मैं वैसे ही बता देता हूँ। ये भी लास्ट में देखते हैं, कोई भी एक कॉम्प्लेक्स ले लेता हूँ मैं, वो क्योंकि तुम्हारे लिए ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा, अभी मैं बता रहा हूँ। देखो कोबाल्ट NH3 होल 4 Cl2Cl, इसके अंदर अगर आपको ये कैलकुलेट करना है कोबाल्ट का EN क्या है तो कुछ मत करो, सबसे पहले लिखो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 27। सबसे पहले आप लिख दीजिए उसका एटॉमिक नंबर, फिर आप जितने उसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए ना उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, मतलब 6 × 2 राइट, क्योंकि बेसिकली वो 2 इलेक्ट्रॉन आ गया ना उसके पास में, डोनर वाले हर एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन देगा ना, तो ये गेन हुआ ना, इसलिए ऐड कर रहा हूं। बात समझ में आई? अब माइनस लूज कितना किया होगा, जो उसकी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है लूज किया होगा ना, कितने पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है, 3 राइट, तो ये टोटल कितना हुआ, 36 स्टेबल है ना, वेरी गुड थिंग, स्टेबल हुआ ना। बात समझ में आई आप लोगों को? वंस मोर एक्शन रिप्ले, देखो क्रेश भाग गया। हाँ ये एटॉमिक नंबर है, ये इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड है कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू, और ये पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है। अभी ठीक है, एवरीबॉडी एग्रीज विद दिस, कोई तकलीफ? आप मेरे को इसी तरीके से NiCO4 माइनस इसमें निकल का EN कैलकुलेट करके दीजिए, फटाफट कीजिए, जल्दी कीजिए, क्या सोच रहे हो? EN निकल का जल्दी से कैलकुलेट कर दो, बोलिए। मुझे नहीं पता, अभी तो पेश में नहीं है, आप तुम किससे पूछोगे मुझसे? नहीं नहीं प्रतीक भी अपने पास ऑप्शन में है ना, प्रतीक थोड़ा दूर है तो तुम लड़कियों के थ्रू प्रतीक से पूछ सकते हो, तुम लड़कियों से पूछो वो मेरा पूछ के बता देंगे तुम, ऐसा अभी देखो। हाँ प्रतीक ई एन कितना आया बताओ ना। हाँ तुम ऑडियंस पोल भी ले सकते हो तुम इसे, नहीं देखो अरे निकल का एटॉमिक नंबर क्या है यार बोलो, कितना गेन किया,
और लूज कितना किया? कुछ नहीं लूज किया। माइनस वन का मतलब गेन होता है यार, तो प्लस वन और करो ना। आइए आंसर क्या है यार, 37 बाजार नहीं। तो ईएन थ्योरी सिल्विक थ्योरी कहती है कि ऊपर वाला स्टेबल है और ये अनस्टेबल है, क्योंकि ऊपर यहाँ पे 36 आया होता है, 37 आया है। 36 नोबल गैस से मैच करता है, 37 नोबल गैस से मैच नहीं करता। बात समझ में? इतना ही निकालना होता है इसके हिसाब से। और एक आधी टेबल है ये देख लेते हैं, कुछ खास नहीं है इसमें वैसे। देखिए मॉलिक्यूलर एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ एमीन्स, फिर आयनाइजेशन किया। देख लो तुम आराम से, बड़ी सिंपल सी चीज है, उसने फॉर्मूला लिया उसी के वो आइसोमर ले रहा है। पहले टोटल वो देखो, पहले लिया CO(CL)3.6NH3, तो उसने बनाया कि सारे NH3 अंदर ले लो। फिर उसने कहा कि अब 5 ही NH3 अगर मैं लेता हूँ तब क्या होगा, तब उसने कहा 5 NH3 और 1 Cl अंदर चला जाएगा, फिर दोनों Cl अंदर चलेगा, फिर तीनों Cl अंदर चलेगा, एक एक अमोनिया कम करता गया वो। फिर उसकी आयनाइज स्टेट लिखी, नंबर ऑफ पार्टिकल एंड आयंस लिखे। अब इसके अंदर थोड़ा सा राइट स्क्रॉल कर रहा हूं, नंबर ऑफ पार्टिकल एंड आयंस के हिसाब से ये देखो, ये जो कॉलम है इसको ध्यान रखिए, ये जो नंबर वाला पार्ट है ये क्रायोस्कोपिक मेजरमेंट है, इसका कंडक्टिविटी को कोई लेना नहीं है। कंडक्टिविटी तो लास्ट वाले कॉलम से अफेक्टेड है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो दोनों में कोई भी एक केस का डेटा देगा ना हम लोगों को, राइट? तो आपको पहचानना आना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें ये जो सेकंड लास्ट कॉलम है दिस इज गवर्न बाय लास्ट, है ना, सेकंड लास्ट कॉलम इज नॉट गवर्न बाय थर्ड लास्ट, वो दोनों इंडिपेंडेंट चीज है। बात समझ में आ गई आप लोगों को? फिर टेबल को जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए दी, इस टेबल की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो नंबर ऑफ आयंस वायंस से आप कैलकुलेट कर लोगे चीजों। क्लियर? बात समझ में आई? कोई डाउट? हाँ जी करते हैं। देखिए कलर के लिए आप सबसे पहले तो स्टेप वन तो चेक करो, अगर वो पैरामैग्नेटिक होता है ना तो काफी हाई चांसेस होते हैं कलर होने के, राइट? जनरली पैरामैग्नेटिक स्पीशीज कलर होती है और डायमैग्नेटिक स्पीशीज कलरलेस होती है। आदमी बात करें कुछ भी नहीं है इसमें, क्वेश्चन में कुछ ना कुछ बताएगा या उससे रिलेटेड प्रोबेबल ऑर्डर्स निकाले जाएंगे, पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज एक और ये होती है कि अब ये जो है ना कैसा लगा देखने में? ये बेसिकली इसका फंडा बड़ा सिंपल है उपग्रह का, इधर से इधर जाते हैं तो वेवलेंथ बढ़ेगी और एनर्जी कम होगी। अब क्या होता है बेसिकली कि अगर कहीं पे डेल्टा नॉट ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग गुड लिगेंड वगैरह है, राइट, अगर कहीं पे CFS ज्यादा होती है तो बेसिकली एनर्जी एब्जॉर्ब रिलेटिवली ज्यादा हो जाएगी, राइट? और एनर्जी एब्जॉर्ब रिलेटिवली ज्यादा हो जाएगी तो एनर्जी रिफ्लेक्टेड रिलेटिवली कम होगी, राइट? है ना, तो एनर्जी रिफ्लेक्टेड जब रिलेटिवली कम होगी तो जो कलर होगा एनर्जी रिफ्लेक्टेड, अच्छा एक और चीज है ब्लैक कलर से लिख रहा हूं, हाई एनर्जी इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू लो वेवलेंथ और लो एनर्जी इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू हाई वेवलेंथ, राइट? और जो कलर होगा, कलर ऑफ कंपाउंड तो यही बताएगा, कलर ऑफ कंपाउंड तो ऑब्वियसली यही बताने वाला है ना। अरे कोई भी बॉडी जिस कलर को रिफ्लेक्ट करती है वही उसका कलर होता है, राइट? तो अगर आप यहां से कहीं डेल्टा नॉट रिलेटिवली ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वगैरह है, तो जनरल परसेप्शन की अगर मैं बात करूंगा तो कुछ तो ऐसा होगा कि डेल्टा नॉट ज्यादा होगी, एब्जॉर्ब ज्यादा होगी, रिफ्लेक्टेड कम होगी, तो हायर वेवलेंथ वाले कलर्स हैं वो आएंगे मेरे पास में, मतलब ये हैं हायर वेवलेंथ वाले कलर। अगर उसके अंदर विद्योर में मैं कहूंगा तो ये हायर वेवलेंथ वाले कलर्स हो गए, लैम्डा हाई है ना हायर साइड पे,
बाद में बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं, तो जस्ट एक साथ आप लोगों को बता रहा हूँ। अच्छा, दूसरी चीज कॉरेस्पॉन्डिंग कलर जो होते हैं कि अगर इंडिगो लाइट को उसने एब्जॉर्ब किया है तो येलो लाइट पर रिफ्लेक्ट करेगा। कॉरेस्पॉन्डिंग कलर बात हो गई आपको, वायलेट को अगर उसने एब्जॉर्ब किया है तो ग्रीन को रिफ्लेक्ट कर देगा। मतलब फंडा वही है कि जितनी ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा उतनी कम रिफ्लेक्ट करेगा एंड वाइस वर्सा। तो ये उनके कॉरेस्पॉन्डिंग कलर होते हैं। कलर एब्जॉर्ब कई बार वो टेबल बना के देता है कि ये कलर एब्जॉर्ब्ड है और ये कलर रिफ्लेक्टेड है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग। तो हमारा इंटरेस्ट तो वैसे भी उसमें होता है कौन सा कलर रिफ्लेक्टेड है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास में कलर जनरेट होकर के आ जाएगा। बात समझ में आई आप लोगों को? अच्छा, इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि यार हार्ड एंड फास्ट तो होता ही नहीं, मतलब लैम्डा हाई पे भी जरूरी नहीं है कि वाई ओ आर मिले, लैम्डा हाई पे वी आई पे भी मिल सकता है, क्योंकि वो हाई इज अ रिलेटिव वैल्यू। समझ रहे हो इस बात को, है ना? जो मेरे पर्सपेक्शन में शायद हाई हो तो किसी और के पर्सपेक्टिव में लो हो सकता है, राइट ना? तो ये सब मतलब इसको रिलेटिव थिंग्स, इसका कंक्लूजन ये कभी मत निकालना कि लैम्डा आई होगा तो मतलब अगर लैम्डा सपोज 10,000 ऑंगस्ट्रॉम है तो वाई ओ आर ही मिलेगा, और 10,000 पे वी आई भी मिल सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बात समझ में आई आप लोगों को, राइट? अभी सबसे पहले अपने होंगे तो उस टाइप के क्वेश्चन अपन लोग एंड में करेंगे जिसमें एक्सप्लेनेशन ही पूछ रहा होता है, राइट? तो हमें बहुत ध्यान से देखना होता है क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या क्या रहा है, दोनों पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है क्योंकि उसके अंदर। ये तो एक रिलेटिव कैरेक्टर है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। बात समझ में आई आप सभी को? जितनी भी चीजों की बात हो रही है, दीज आर ऑल रिलेटिव थिंग्स, दीज आर ऑल रिलेटिव थिंग्स, जिससे हमें एक आइडिया लगा सकते हैं केवल परसेप्शन का। क्लियर हुआ है सभी लोगों को? अब जैसे वो क्वेश्चन मैन का फर्स्ट क्वेश्चन है तो उसमें निकाल लो ना जो पैरा मैग्नेटिक होंगे, वो पैरा में अभी हाल फिलहाल जितने क्वेश्चन है वो आपके इसी से हो जाएंगे, पैरा मैग्नेटिक आया में गया, ये असाइनमेंट है उनमें है ही नहीं, जिन एडवांस लेवल क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ नहीं दिए, पहले ये सब हो जाए फिर आराम से करते रहेंगे बाकी चीजों को, राइट? तो ये एक बेसिक आइडिया होता है इन सारी की सारी चीजों का।